नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुपम न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबर की ओर। खबर जनपद मिर्जापुर से है। पटेंगरा नाला वृद्धाश्रम में कुछ दिन पहले हुई मारपीट का संज्ञान में लेते हुए मुख्य विकास अधिकारी मिर्जापुर विशाल कुमार द्वारा निरीक्षण किया गया था। मुख्य विकास अधिकारी विशाल कुमार ने जांच कर प्रबंधक को फटकार भी लगाई। इसके बाद आज पुनः वृद्धाश्रम के वृद्धों ने जिलाधिकारी मिर्जापुर प्रियंका निरंजन के पास पहुंचकर न्याय की मांग उठाई है। आइए सुनते हैं कि आश्रम पर वृद्ध क्या आरोप लगा रहे हैं। मेरा नाम कमला प्रसाद है। कहाँ से आए हैं? मैं विंध्याचल वृद्धाश्रम से आया हूँ। आप लोग उसी में रहते हैं? मैं वहीं निवास करता हूँ पिछले 5 साल से, वृद्धाश्रम में। जी, जो साथ में आए सब वहीं रहते हैं? हाँ, सब वहीं रहते हैं। डीएम से मिलने आए हैं, क्या मामला है? मामला 26 अक्टूबर का है। 2 लाभार्थी आपस में लड़े झगड़े, जिसको मैंने संज्ञान में दिया प्रबंधक महोदय को। वो आए और 1 लाभार्थी को दूर कर दिए। उसके बाद 5 मिनट बाद आकर के उनके द्वारा और उनके कर्मचारियों द्वारा भरत मल्लाह को लाल जूतों से मारा। जब मैंने मना किया कि आप मार नहीं सकते, तो कहा कि 20 जूते मार के आप सबको भगा दूंगा। ऐसा करते हुए भरत को मारते हुए नीचे ले गए, मारपीट के भगा दिया। इसके बाद मैं बीमार था, हॉस्पिटलाइज था। 11 नवंबर को मैंने एप्लीकेशन दिया है समाज कल्याण अधिकारी को। उनके द्वारा डेडिकेशन भेजा गया वहाँ पर। उन लोगों ने उनसे माफ़ी मंगवाया हमारे लिए और कहा कि भरत मल्लाह को बुलवाइए। उन्होंने बुलवाया नहीं। तीसरे दिन फिर गए तो कहे कि बुलवाया, कहे नहीं बुलवाया, आया नहीं। इसके बाद समाज कल्याण अधिकारी, जबकि मैं संजय शर्मा से बात कर रहा था, मेरे सामने वो आए। मैंने कहा सर मैं रुकूँ कि जाऊँ? कहें आप जाइए 2 मिनट के लिए। मैं जाके खिड़की से देखा कि समाज कल्याण अधिकारी अंदर कमरे में गए, उन्होंने उसको कुछ दिया, उसके बाद गए। और 3 दिन बाद फिर आते हैं तो उल्टा केस हमारे ऊपर कि आप क्यों घूमते हैं, क्यों ये करते हैं, खाना पीना ठीक है, ये ठीक है, वो ठीक है। केसवा को पलट दिया और जो दिखाया इस पार्ट पर नहीं दिखाया जा रहा है, नीचे कमरे में आदमियों को दिखाया जा रहा है। हमारे यहाँ कोई आया ही नहीं, क्यों? सीडीओ साहब आए थे, मैंने उनको यही कॉपी मैंने उनको दिया है और मैंने उससे मिलने के लिए कहा फिर मिलूँगा। आज मैं यहाँ आया हूँ कि हमारे साथ न्याय किया जाए, लीपापोती न की जाए और हम लाभार्थियों के जान माल की रक्षा की जाए, सम्मान की रक्षा की जाए। क्या आरोप है आपका वृद्धाश्रम पे जो वहाँ के लोग? मेरा आरोप है कि वहाँ के प्रबंधक द्वारा विद्यार्थियों को मारा जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, महिलाओं को ही मारा जाता है। मारने वाले वो कौन तिवारी हैं? अमरेश तिवारी और आलोक तिवारी, ये दोनों वहाँ पे काम करते हैं। यही दोनों के गुड फेथ में है और पुराने को निकाल के नया रखा गया है गोल, जिसकी जाँच कराई जाए और मुझे साथ में रख कराई जाए। अकेले नहीं दीपापोती की जाए, मैं साथ में रहूँ, मैं सब बताऊँगा उनको। इसीलिए आप डीएम से मिलने आए? इसीलिए मैं डीएम से मिलने आया हूँ कि उधर गड़बड़ न होने पावे, मेरे साथ न्याय होना चाहिए।